हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक कला से संबंधित एक नए कलाकार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखेंगे मंजीत बाबा जी को, जिन्हें हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। चलिए, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इनको किस नाम से और जाना जाता है, तो बाबा के नाम से इनको जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ है। तो इनके इनका जन्म 28 जुलाई 1941 को और कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म दुरी कस्बा, कहाँ पर? दुरी एक कस्बा है जो आपका कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके जन्म की। इनका जन्म 28 जुलाई 1941 को कहाँ पर? पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु इनकी 29 दिसंबर को, मृत्यु इनकी कब हुई है? 29 दिसंबर को और कब? 2008 में हुई थी, 2008 में। और कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो जन्म इनका कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है पंजाब में। कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है दिल्ली में। ठीक है, अब अगर आपसे डेट अगर पूछी जाएगी, तो इनका जन्म 28 जुलाई को कब हुआ है इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है 28 जुलाई को। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है 28 से 29, यानी 28 के बाद 29, तो 29 दिसंबर आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके जन्म और मृत्यु की। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो इनकी शिक्षा हुई थी कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से। तो इनकी शिक्षा हुई थी कॉलेज ऑफ आर्ट जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से इनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, और कब से कब तक ये वहाँ पर पढ़े हैं? तो 1958 से लेकर 1963 तक ये वहाँ पर पढ़े हैं। कहाँ पर? कॉलेज ऑफ आर्ट जो आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी पत्नी कौन थी। इनकी पत्नी थी शारदा बाबा। कौन थी? शारदा बाबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी पुत्र की। पुत्र तो इनके पुत्र थे रवि। कौन थे? रवि बाबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकी पुत्री कौन थी। तो इनकी पुत्री थी भावना। कौन थी? भावना थी। तो ये तो हो गया इनके इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री के बारे में। चलिए, यानी इन्होंने किन के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए सानिध्य तो इन्होंने सोमनाथ होर, राकेश मेहरा, धनराज भगत तथा बीसी सान्याल, यानी भावेश्वर सान्याल, बीसी सान्याल और कौन थे? अवनी सेन का इन पर सानिध्य था। इनका अवनी सेन का सानिध्य था इनके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए जिनके सानिध्य में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इनकी कला पर प्रभाव किसका था। तो इन पर प्रभाव था अति यथार्थवाद का। इन पर प्रभाव किसका था? अति यथार्थवाद का। प्रभाव अति यथार्थवाद का था।
भाव अति यथार्थवाद का। रंग, तो रंग इनको, ये कैसे रंगों का यूज़ करते थे, तो ये चटक रंग का प्रयोग करते थे। कैसे? चटक रंगों का प्रयोग करते थे। और चटक रंगों में किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये लाल रंग और बैंगनी रंग का प्रयोग करते थे। लाल रंग का और बैंगनी रंग का प्रयोग करते थे, ठीक है, लाल रंग और बैंगनी रंग का प्रयोग करते थे। ये कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वाद्य की अगर बात की जाए तो ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, ये बांसुरी बजाते थे। और इन्होंने बांसुरी बजाने की जो कला है ये किससे सीखी थी? तो इन्होंने ये सीखी थी प्रसिद्ध बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन थे? पन्ना लाल घोष से। किससे? पन्ना लाल घोष से सीखी, ठीक है, किससे सीखी? पन्ना लाल घोष से। अब बात करेंगे कि इनकी रुचि किसमें थी। तो रुचि की अगर बात की जाए तो इनकी रुचि थी सूफी गायन में और दर्शन में। इनकी रुचि किसमें थी? सूफी गायन में और साथ ही साथ दर्शन में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मंजीत बाबा जो थे इन पर प्रभाव किसका था? तो इन पर प्रभाव किसका था? अति यथार्थवाद का था। किसका था? अति यथार्थवाद का इनके ऊपर प्रभाव था। नेक्स्ट, ये किस तरह के रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये चटक रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है। किस रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये चटक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें कौन कौन से चटक रंग होते थे? लाल रंग और बैंगनी रंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो बांसुरी बजाता था, तो मंजीत बाबा थे, ठीक है। तो बांसुरी ये बहुत अच्छी बजाते थे। और इन्होंने इसकी शिक्षा किससे प्राप्त की थी, यानी बांसुरी बजाना इन्होंने किन से सीखा था? तो पन्ना लाल घोष से सीखा था, ठीक है। नेक्स्ट, इनका रुचि किसमें थी? तो इनकी रुचि सूफी दर्शन और गायन में थी, ठीक है। किसमें? सूफी गायन और दर्शन में थी इनकी रुचि। चलिए अब देखते हैं आगे कि मंजीत बाबा ने कहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है। तो इन्होंने स्कूल ऑफ पेंटिंग लंदन से सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था, ठीक है। और ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मंजीत बाबा ने स्कूल ऑफ पेंटिंग, मंजीत बाबा ने स्कूल ऑफ पेंटिंग, मंजीत बाबा ने स्कूल ऑफ पेंटिंग जो आपका कहाँ पर है, लंदन से सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। लंदन से सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था, सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। चलिए तो ये तो बात हो गई कि इन्होंने कहाँ से सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो स्कूल ऑफ पेंटिंग लंदन से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। कहाँ से? स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कहाँ पर है, लंदन में, यहाँ से इन्होंने सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। चलिए आप देखेंगे आगे। नेक्स्ट, 1964 से लेकर 1971 के मध्य इन्होंने सिल्क स्क्रीन पेंटर के रूप में कहाँ पर कार्य किया था? ब्रिटेन में कार्य किया था इन्होंने। चलिए देख लेंगे इस पॉइंट को। 1964 से लेकर 1971 तक, 1964 से लेकर 1971 के मध्य मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन पेंटर के रूप में कहाँ पर कार्य किया था? तो इन्होंने ब्रिटेन में कार्य किया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में कार्य किया, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना। और इससे पहले जो मैंने लिखा था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इन दोनों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इनके ये किन को अपना, ये मंजीत बाबा स्वयं को क्या कहते थे? जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे, यानी ये जगदीश स्वामीनाथन को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मंजीत बाबा स्वयं को
स्वयं को जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। मंजीत बाबा ने किसमें कार्य किया था? तो इन्होंने नौटंकी में भी कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट है, मंजीत बाबा ने नौटंकी में काम किया था। दशरथ डाकू सुल्ताना, अमर सिंह राठौर आदि की भूमिका निभाई थी। यानी इन्होंने किन किन की भूमिका निभाई थी? दशरथ की, डाकू सुल्ताना की और अमर सिंह राठौर की भूमिका अदा की थी। ठीक है, चलिए। तो 1964 से लेकर 71 के मध्य मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन पेंटर के रूप में कार्य किया था, और यह कार्य इन्होंने कहाँ पर किया था? ब्रिटेन में किया था। मंजीत बाबा स्वयं को जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। ठीक है, चलिए। मंजीत बाबा ने किस में कार्य किया? तो इन्होंने नौटंकी में कार्य किया है, जहाँ इन्होंने दशरथ, डाकू सुल्ताना और अमर सिंह राठौर आदि की भूमिका अदा की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है, मंजीत बाबा कैनवास के पीछे अपना हस्ताक्षर करते थे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं इनके बारे में जितने भी पॉइंट लिख पा रही हूँ वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मंजीत बाबा कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करते थे, अपना हस्ताक्षर करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मंजीत बाबा ने कुल 60 प्रदर्शनियां आयोजित की थी। चलिए नेक्स्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मड़ी कॉल की फिल्म कौन सी फिल्म है इनकी? सतह से उठता आदमी। सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर अमिताभ दास व रणवीर सिंह के साथ मिलकर मंजीत बाबा ने बनाया था। मंजीत बाबा ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मणिरत्नम की जो फिल्म थी दिल से, उसमें मंजीत बाबा ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ बात आती है कि दिल से फिल्म किसकी है, तो मणिरत्नम की है, और इसमें किसने फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी, तो मंजीत बाबा ने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मणिरत्नम की फिल्म कौन सी फिल्म थी, तो फिल्म थी दिल से में मंजीत बाबा ने आतंकियों का साथ देने वाले मंजीत बाबा ने आतंकियों का साथ देने वाले आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मंजीत बाबा पर केंद्रित फिल्म यानी मंजीत बाबा पर बनी फिल्म थी मीटिंग मंजीत, जो बुद्ध देव ने बनाई थी। ठीक है, तो कौन सी फिल्म थी, मीटिंग मंजीत। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मंजीत बाबा पर केंद्रित फिल्म मीटिंग मंजीत मीटिंग मंजीत इस फिल्म को बनाया किसने था मीटिंग मंजीत और इस फिल्म को बनाया था बुद्ध देव ने मीटिंग मंजीत बुद्ध देव ने बनाई थी ठीक है किसने बनाई थी बुद्ध देव ने बनाई थी चलिए और सन 2002 में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया था और कब तो सन 2002 में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिनेत्री जो मधुबाला थी वह मंजीत बाबा की आइकॉन थी, यानी मंजीत बाबा की आइकॉन कौन थी, अभिनेत्री मधुबाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिनेत्री मधुबाला मंजीत बाबा की आइकॉन थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मंजीत बाबा की जीवनी लिखने वाले इनापुरी जो थे, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी, इसकी मंजीत बाबा की, वह आकाश को, और वह कहते हैं, यानी मंजीत बाबा के लिए इनापुरी जी कहते हैं कि वह आकाश को लाल रंग से उकेरना चाहते थे, क्योंकि लाल रंग उन्हें बहुत पसंद था। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, मंजीत बाबा की जीवनी लिखने वाले इन्होंने कहा कि वह आकाश को किस रंग से, लाल रंग से उकेरना चाहते थे, वह आकाश को लाल रंग से उकेरना चाहते थे। लाल रंग इन्हें बहुत पसंद था, लाल रंग जो था वह उन्हें बहुत पसंद था, उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 2005 में इनको दिल के दौरे के कारण, दिल का दौरा आता है, जिसके कारण ये कहाँ चले, ये कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, तो 2005 में
दिल के दौरे के कारण 2005 में, दिल के दौरे के कारण कोमा में चले गए। कारण कहाँ, कोमा में चले गए। कोमा नेक्स्ट है कि 3 वर्ष की लंबी बीमारी, 3 वर्ष की लंबी बीमारी, 3 वर्ष की लंबी बीमारी, यानी बीमारी क्या, कोमा में थे ये, ठीक है। तो 3 वर्ष की लंबी बीमारी यानी कोमा में जाने के कारण, कोमा में जाने के कारण, कोमा में जाने के कारण इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु, की मृत्यु 29 दिसंबर 2008 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इनके प्रसिद्ध चित्रों को, प्रसिद्ध चित्र, प्रसिद्ध चित्र की, तो प्रसिद्ध चित्रों में है इनका कृष्ण, कृष्ण। दूसरा इनका है सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल। और है हीर रांझा, हीर रांझा। आइसक्रीम, आइसक्रीम। और है इच्छाओं का काला बाग, इच्छाओं का काला बाग, इच्छाओं का काला बाग। ये होगा इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब इनको किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान। तो 2005 में इन्हें किससे, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2005 में, कालिदास सम्मान में किससे 2005 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था इनको, कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था। और 1963 में सैलोज पुरस्कार दिया गया था इनको, कौन सा, सैलोज पुरस्कार दिया गया था इनको। और 1980 में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार, तो ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मंजीत बाबा के चित्रों में सूफीवाद और भारतीय धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। तो जो मंजीत बाबा हैं इनके चित्रों में सूफीवाद और भारतीय धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, मंजीत बाबा के चित्रों में सूफीवाद, मंजीत बाबा के चित्रों में सूफीवाद और भारतीय धर्म का प्रभाव, और भारतीय धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, भारतीय धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बाबा की पेंटिंग में पशु पक्षियों का प्रभाव दिखाई देता है। तो मंजीत बाबा की पेंटिंग में, बाबा की पेंटिंग में पशु पक्षियों का प्रभाव दिखाई देता है, पशु पक्षियों का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बच्चे इनकी पेंटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, बच्चे इनकी पेंटिंग का
बच्चे इनकी पेंटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो ये हो गए मंजीत बाबा। चलिए अब इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो बाबा की पेंटिंग में किनका प्रभाव दिखाई देता था? पशु पक्षियों का प्रभाव दिखाई देता था, ठीक है, यानी ये पशु पक्षियों का चित्रण करते थे। ठीक है, बच्चे इनकी पेंटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, साथ ही साथ जो बच्चे हुआ करते थे वह भी इनकी पेंटिंग में दर्शाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो 2005 से 6 के मध्य इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, 1963 में सैलोज पुरस्कार इनको दिया गया था और 1980 में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है कि मंजीत बाबा के चित्रों में सूफीवाद और भारतीय धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके प्रसिद्ध चित्रों की। तो प्रसिद्ध चित्रों में हैं इनके कृष्ण हो गया, सोनी महिवाल, हीर रांझा, आइसक्रीम और इच्छाओं का काला बाग। ये सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है मंजीत बाबा की जीवनी लिखने वाले, मंजीत बाबा की जीवनी लिखने वाले इनापुरी ने कहा था, जो इनापुरी जी थे इन्होंने कहा था वह आकाश को लाल रंग से उकेरना चाहते थे, लाल रंग उन्हें बहुत पसंद था। और 2005 में क्या होता है, इन्हें दिल का दौरा पड़ता है जिसके कारण ये कोमा में चले जाते हैं। और 3 वर्ष की लंबी बीमारी, यानी कोमा में ही थे ये उस टाइम, यानी 3 वर्षों तक ये कोमा में रहे थे। और इनकी मृत्यु उसके बाद 29 दिसंबर 2008 को दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मणिरत्नम की फिल्म, मणिरत्नम ने ये फिल्म बनाई थी, कौन सी? दिल से। इसमें मंजीत बाबा ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इन पर केंद्रित जो फिल्म बनी थी वह थी मीटिंग मंजीत, और ये किसने बनाई थी? बुद्ध देव ने बनाई थी, जिसके लिए सन 2002 में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया था। और अभिनेत्री जो मधुबाला थी वह इनकी आइकॉन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मंजीत बाबा कैनवास के पीछे अपना हस्ताक्षर करते थे, यानी ऐसा कौन सा कलाकार जो कैनवास के पीछे अपना हस्ताक्षर करता था? तो मंजीत बाबा थे। और इनकी कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी? तो इनकी कुल 7 प्रदर्शनियाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन किसकी फिल्म है? तो शेखर कपूर की है। शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था? तो मंजीत बाबा ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मड़ी कॉल की फिल्म सतह से उठता आदमी, तो सतह से उठता आदमी किसकी फिल्म है? मड़ी कॉल की फिल्म है। ठीक है, और इसका सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर किसने बनाया था? तो अमिताभ दास व रणवीर सिंह के साथ मिलकर मंजीत बाबा ने बनाया था। ठीक है, चलिए 64 से लेकर 71 तक मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के रूप में कहाँ पर कार्य किया था? तो ब्रिटेन में कार्य किया था। मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते थे? तो जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे, यानी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ठीक है, मंजीत बाबा ने नौटंकी में काम किया था, जहाँ इन्होंने राजा दशरथ, डाकू सुल्ताना और अमर सिंह राठौर की भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है कि इनके ऊपर प्रभाव किसका था? तो इनके ऊपर प्रभाव अति यथार्थवाद का था। ये चटक रंगों का प्रयोग करते थे, जिसमें लाल रंग और बैंगनी रंग ये चटक रंगों में आते थे। नेक्स्ट है कि ये किसका वादन करते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। और इन्होंने बांसुरी बजानी किससे सीखी थी? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष से सीखी थी। इनकी रुचि किसमें थी? तो इनकी रुचि सूफी गायन और दर्शन में थी। मंजीत बाबा ने स्कूल ऑफ पेंटिंग लंदन से सिर्फ पेंटिंग में क्या प्राप्त किया था? डिप्लोमा प्राप्त किया था। चलिए इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी कॉलेज ऑफ आर्ट, जो आपका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक? 1958 से लेकर 1963 तक। इनकी पत्नी शारदा बाबा थी, इनका पुत्र रवि और इनकी पुत्री भावना थी। सानिध्य इनके ऊपर किसका था? तो सोमनाथ होर, राकेश मेहरा, धनराज भगत और बीसी सान्यल और अवनी सेन के सानिध्य में इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 28 जुलाई 1941 को दुरी कस्बा पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 2008 को दिल्ली में हुई थी। और किस बीमारी के कारण हुई थी? तो इनकी मृत्यु कोमा में जाने के कारण हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए मंजीत बाबा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।